ओम शांति। हम परमपिता शिव परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ और सबसे महान रचना हैं। हमारा जीवन इस संपूर्ण कल्प में सबसे ऊंच और गायन योग्य है। भगवान ने हम सभी को ये बात बहुत बहुत महीनता से समझाई है कि भगवान के साथ रहने का सुअवसर, भगवान के साथ रहने का भाग्य इस संगम युग के सिवाय और कभी नहीं मिलता। परंतु परमात्मा के साथ रहने का भाग्य प्राप्त करने के लिए और संपूर्ण कल्प के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ पार्ट फिक्स करने के लिए हमें बहुत महीन और तीव्र पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। और वो महीन पुरुषार्थ है, बहुत सहज है। इस संसार में किसी से भी मोह नहीं। बाबा की मुरलियों के अनुसार बाबा एक शब्द अंडरलाइन कराते हैं कि मीठे बच्चे, सबसे बड़ा विकार देह अभिमान है, परंतु बाबा ने एक और बात भी हम सभी को अंडरलाइन करा रखी है कि देह अभिमान के साथ एक और विकार जुड़ा हुआ है और वो है मोह। जब तक इस संसार में किसी के साथ भी मोह की रग जुड़ी हुई है, तब तक हम भगवान के साथ रहने का सुख महसूस नहीं कर सकते। हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जी एक शब्द अक्सर कहा करती थी कि अपने आप को चेक करो, मेरी रग कहीं जाती तो नहीं है। किसी व्यक्ति में कुछ अच्छा खाने में, कुछ अच्छा पहनूं, अच्छी सुविधा इस जीवन में प्राप्त करूं, अगर इन वस्तु व्यक्ति और पदार्थों में रग जाती रहेगी तो हम परमात्म मिलन के साथ का अनुभव और सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और कल्प कल्प के लिए भगवान हमसे जो चाहते हैं कि हम बाप समान बने, और बाबा तो एक और बात भी कहते हैं कि आप मेरे राजा बच्चे हो, प्रजा बच्चे नहीं। तो जिनको सत्युग में राजा बनना है, प्रजा नहीं बनना, तो राजा की विशेषता है दाता बनना, देवता अर्थात दाता बनना। और ये दातापन की स्टेज उसी आत्मा की होती है जिसकी रग इस संसार में कहीं नहीं जाती।
इसलिए शास्त्रों में भी एक बात बहुत अच्छी पंक्ति के रूप में लिखी है, बिना त्याग के भाग्य नहीं बन सकता। इसलिए हे आत्माओं, अगर 84 जन्मों के लिए अपना भाग्य फिक्स करना चाहते हो तो आप अभी अपनी इन मोह की रगों को तोड़ दो और बाप के साथ रह करके सिर्फ बाप समान बनने का ही लक्ष्य रखो, तभी हमारी संपूर्णता का साक्षात्कार सभी को होगा। ओम शांति।